हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराग ऑटोमेशन। अभी तक हम जो हैं टोटल 5 वीडियोस बना चुके हैं एबीबी पीएलसी और डीसीएस पे, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में हमने बातचीत किया था कि एबीबी पीएलसी में और हमें जो डीसीएस के लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। देन हमने अभी ऑटोमेशन बिल्डर का सॉफ्टवेयर को फिर हमने इंस्टॉल करके हमारे सिस्टम में देखा था इस सेकंड वीडियो में। थर्ड वीडियो में हमने एबीबी के ऊपर जो एड्रेसिंग है हमारी, कौन कौन सी एड्रेसिंग जो है डिजिटल इनपुट के लिए हमें यूज़ होगी, डिजिटल आउटपुट के लिए कौन सी होगी, ये सभी की हमने। थर्ड प्रोजेक्ट में हमने ऑटोमेशन बिल्डर में हम कैसे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जो हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ था। देन इससे फोर्थ वीडियोज़ में हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, और फिफ्थ वीडियोज़ में हमने है जो लास्ट वीडियोज़ में जो है हमने हमारा जो ये हमारा कोर्स है जो है इसके अंदर हमने यहाँ पर एक लॉजिक क्रिएट किया था, जिससे कि हम एक लैचिंग क्रिएट किया था कि हमारा मोटर जो है हमारा जो मोटर हमने स्टार्ट किया था, स्टॉप किया था। आज के सिक्स वीडियो में हम जो है लैचिंग अनलैचिंग लैडर लॉजिक बना रहे हैं एक मोटर के लिए। इसके लिए हमें सेम जो है यहाँ पर जो एप्लीकेशन पर डबल क्लिक करके हम जो है ये ओपन कर लेंगे हमारा। ओपन करने के बाद में यहाँ पर हम जो है एक फाइल में जाके न्यू क्रिएट कर लेंगे, मैं ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। एंड देन यहाँ पर हमारा ये पेज आ जाएगा। देन ये हमारा नेटवर्क आया हुआ है, इस पर मैं डस्ट क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में मैं एक एनओ यहाँ पर ले लेता हूँ, इसको जो मैं है परसेंटेज IX 4000.0, ये हमने फर्स्ट लॉजिक दे दिया है। देन मैं इस पर यहाँ क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पर मैं सेकेंड ले लेता हूँ परसेंटेज IX 4001, सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पर जो है IX 4000 यहाँ पर 1 में यूज कर लिया है। देन मैं यहाँ पर कोइल यूज कर लेता हूँ परसेंटेज QX 4000.0 और एंटर। अभी जो है अपना रहा है ये हमारा स्टार्ट बटन बन गया, ये स्टॉप बन गया है, देन हमारा मोटर हो गया है। जैसे मैं इसको स्टार्ट करूँगा मेरी मोटर इधर से कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैंने जो ऐसा एक लैचिंग क्रिएट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस पर जस्ट क्लिक करता हूँ एंड देन ये मेरे पास में इस पर क्लिक कर देता हूँ जो पैरेलल कॉन्टेक्ट बना देगा। एंड देन इसके अंदर मैं एड्रेसिंग दे देता हूँ परसेंटेज QX 0 का। फिलहाल में नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारा जो मोटर कॉन्टेक्ट होता है उसका हम पैरेलल कॉन्टेक्ट देते हैं, बट पीएलसी में जो नॉर्मली हम है यहाँ पर मेमोरी यूनिट का ही देते हैं। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम कैसे मेमोरी यूनिट क्रिएट करेंगे और मेमोरी यूनिट का यहाँ पर क्यों हम मेमोरी यूनिट का यूज़ करेंगे। तो अभी मैं जो है मेरा लॉजिक यहाँ पर रेडी हो गया है। इससे पहले प्रोजेक्ट में मैं बिल्ड करूँगा, बिल्ड करने से मालूम चला कि मेरे पास में 0 एरर 0 वार्निंग है। देन मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मैं यस करके सेव कर देता हूँ एंड देन अगेन मैं एक बार बिल्ड कर लेता हूँ एंड देन ऑनलाइन जाके मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं रन कर देता हूँ। अब रन करने के बाद में मैं फर्स्ट इसकी वैल्यूज पे यहाँ क्लिक करके ऑनलाइन में जाके इसकी वैल्यू को फोर्स कर देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पर जो है मेरा मोटर जो है रन करने लगा है। अब मैं इसकी वैल्यू को जाके इस पे सेम डबल क्लिक करके यहाँ पर इसकी वैल्यू को रिलीज फोर्स कर देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पर जो है वैल्यू से फोर्स रिलीज हो गया है, बट मेरा फिर भी जो मोटर है वो रन कर रहा है। ये मेरा फोर्स रिलीज हो गया है, फिर भी मेरा मोटर जो है रन कर रहा है। अब मैं इस पर जैसे क्लिक करने के बाद में, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इसको हम मैं जो है फोर्स कर देता हूँ, तो आप देखेंगे ये स्टॉप बटन की तरह काम किया और मेरी मोटर जो है स्टॉप हो गई है। जैसे मैं इसको फिर से जो है फोर्स वैल्यूज़ को यहाँ पर इसको फोर्स में यहाँ जाके रिलीज़ करूँगा, आप देखेंगे या फिर मैं इसको दोबारा लॉग आउट करने के बाद में दोबारा लॉग इन कर लेता हूँ
एंड देन उसके बाद में मैं इसको रन कर लेता हूँ। इसको वैल्यूज को जाके मैं यहाँ से फोर्स करूँगा तो आप देखेंगे मेरी मोटर रन कर गई है। इस पर क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पर देखेंगे आपका मेरा रिलीज निकल चुका है, बट फिर भी मेरी कंटिन्यूस मोटर रन कर रही है। इस पर क्लिक करके मैं यहाँ से F7 प्रेस करूँगा। यहाँ ऑनलाइन जाके मैं फोर्स कर दूंगा तो आप देखेंगे मेरी मोटर यहाँ से क्लोज हो गई है। इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी जो है किसी भी तरह से जो आप जो है कोई भी पीएलसी का यहाँ से ट्रायल ले सकते हैं।